यू मस्ट विजिट इन जयपुर इज द आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट राजा मानसिंह ने बनाया था इन 1592। अरावली हिल्स पर बनाया गया ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट पैलेसेस में से एक है। आमेर फोर्ट कुछ 11 किलोमीटर दूर है जयपुर से, तो आप यहाँ पे आपकी कार या फिर अगर आपने रेंट की है बाइक तो वो लेके आराम से आ सकते हैं। आमेर फोर्ट की जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज पर पर्सन, और यहाँ पे आप एक कॉम्बो टिकट भी ले सकते हो फॉर 400 रुपीज जो 2 दिन तक वैलिड रहेगा, और इसमें आप आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, नाहगढ़ फोर्ट, हवा महल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देख सकते हैं। आमेर फोर्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है, और यहाँ पे आप नाइट में लाइट शो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं जिसकी टिकट है 1000 रुपीज फॉर 2 पीपल। आई वुड रिकमेंड कि आप मॉर्निंग में 9 AM को पहुँच जाए ताकि आप आराम से पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे विदाउट एनी रश, और पूरा फोर्ट कवर करने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और ऑल्सो ये फोर्ट की हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच एंड अमेजिंग है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप गाइड यहाँ पे ज़रूर रखिए। बाय द वे हमारा आमेर फोर्ट टूर गाइड वाला वीडियो भी जल्दी आ रहा है, जैसा हमने सेम उदयपुर सिटी पैलेस में वीडियो बनाया था गाइड के साथ, ऐसा ही हमने आमेर फोर्ट में भी वीडियो बनाया। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब वो वीडियो लाइव हो तब आपको सबसे पहले अपडेट मिले। नाउ नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट के जाने के रास्ते में ही पड़ता है, और आप एक ही दिन में दोनों फोर्ट्स आराम से कवर कर सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट महाराजा जय सिंह दो ने बनवाया था इन 18th century। ये फोर्ट भी अरावली हिल्स पे ही है, और ये कुछ 500 फीट अबोव है सी लेवल से। जयगढ़ फोर्ट में जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज। यहाँ पे आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं फॉर 20 रुपीज, और बाइक पार्किंग के 10 रुपीज है। जयगढ़ फोर्ट का इस्तेमाल उस समय राजा डिफेंस के लिए करते थे, और यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल भी है जो जयगढ़ फोर्ट को आमेर फोर्ट से कनेक्ट करती है। जयगढ़ फोर्ट में कैनन मतलब कि तोप बनाने की फैक्ट्री भी है, और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप अभी भी है जिसका नाम है जयवाना कैनन। मेन पर्पस जयगढ़ फोर्ट का हथियार, एम्यूनेशन और आर्मर स्टोर करना था, और वॉर के टाइम पे सभी चीज़ें यहाँ से ही आमेर फोर्ट को सप्लाई होती थी। जयगढ़ फोर्ट की लंबाई है 3 किलोमीटर और उसकी जो विथ है वो 1 किलोमीटर है। यहाँ पे भी आई वुड रिकमेंड दैट आप एक गाइड ले लीजिए, बिकॉज इसकी भी हिस्ट्री आमेर फोर्ट जितनी ही इंटरेस्टिंग है, और आपको गाइड के साथ घूमने में और भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है पन्ना मीना कुंड। ये प्लेस आमेर फोर्ट या फिर जयगढ़ फोर्ट जितनी ग्रांड नहीं है, ना ही इतनी फेमस है, बट ये आमेर फोर्ट से बहुत ही नज़दीक है, सो आप डेफिनेटली आमेर फोर्ट के साथ इसे विजिट कर सकते हैं। ये एक येल्लो कलर का स्टेपल है जो कि 16th century में बनवाया गया था। स्टेपल विजिट करने की कोई एंट्री फीस नहीं है, और बाहर आपको लोकल गाइड मिल जाएगा जो कि आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन दे देगा। वेल, उन्होंने हमसे पैसे तो नहीं लिए थे, सो मुझे नहीं पता कि वो पैसे लेते या नहीं, बट अगर वो फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है देन आप थोड़े पैसे उसे दे सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेपल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही नैरो है, तो कार आप डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, बट थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी कार के साथ। अब जो प्लेस हमारी लिस्ट में है वो है जयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हवा महल। हवा महल जयपुर पिंक सिटी के अंदर ही है, और ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है जयपुर सिटी पैलेस का। हवा महल रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799। हवा महल बनाने का जो मेन रीज़न था कि उस टाइम पे रॉयल फैमिली की विमेन जो थी उनको अगर कोई फेस्टिवल या फिर स्ट्रीट पे हो रहे कोई प्रोग्राम देखना चाहती है तो वो हवा महल से देख सकती है विदाउट एनीवन लुकिंग एट देम। हवा महल में 953 टाइनी विंडोज है जिसे जरोखा भी बोला जाता है। हवा महल की एंट्री फीस है वो है 50 रुपीज पर पर्सन, और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेकर शाम के 5:30 PM तक है। हवा महल जो है वो कुछ अलग ही दिखता है नाइट में, सो डेफिनेटली ये मौका मिस मत करिए, और इसकी कोई टिकट भी नहीं लगेगी आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटी पैलेस। कहा जाता है कि जब महाराजा सवाई सिंह दो ने जयपुर की स्थापना की तभी सिटी पैलेस का भी निर्माण शुरू कर दिया गया था इन द 17th century। सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मुबारक महल, चंद्र महल, दीवाने आम और दीवाने खास जैसी काफ़ी सारी जगह हैं। उसके अलावा यहाँ पे राजा रानी और बाकी रॉयल फैमिलीज के कपड़े, ऑर्नामेंट्स और उस समय युद्ध में काम में लिए जाने वाले हथियार का एक पूरा म्यूजियम भी है। यहाँ पैलेस के अंदर 2 सेक्शंस है जिसमें से एक सेक्शन पब्लिक के लिए ओपन है, और दूसरे सेक्शन में अभी भी जयपुर की जो रॉयल फैमिली है वो रहती है। सिटी पैलेस की जो एंट्री फीस है वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन,
और ये सुबह 9:30 AM से 5 PM और शाम को 7 PM से 10 PM तक ओपन रहता है। नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या आप गैस कर सकते हो? ऑफ कोर्स इट इज़ जंतर मंतर। जंतर मंतर को राजा सवाई जय सिंह दो ने 1728 में बनाया था और ये सिटी पैलेस के एग्जैक्ट सामने ही है। यहाँ पे 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उस समय सन, मून और बाकी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उसकी पोजीशन जानने के लिए और साथ साथ टाइम जानने के लिए भी यूज़ होते थे। अगर आप जंतर मंतर विजिट कर रहे हैं तो एक गाइड डेफिनेटली रखिए, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको समझने के लिए और डेमो देखने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। जंतर मंतर की जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेके शाम के 5 PM तक है। तो अब बात करते हैं जयपुर के एक और फोर्ट की, जो कि है नाहगढ़ फोर्ट। यह जयपुर में बहुत सारे फोर्ट्स हैं। नाहगढ़ फोर्ट भी राजा सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था इन 1734। ये फोर्ट भी जयगढ़ फोर्ट की तरह ही डिफेंस के लिए बनाया गया था और यहाँ से जयगढ़ फोर्ट कनेक्ट भी होता है। नाहगढ़ फोर्ट की जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेकर 5 PM तक है। बट ये फोर्ट 9 PM तक ओपन रहता है और यहाँ पे रात में पूरे जयपुर का जो व्यू होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और ज़्यादातर लोग नाइट व्यू के लिए यहाँ पे आते हैं। नाहगढ़ फोर्ट के अंदर आप जयपुर वैक्स म्यूजियम, शीश महल, स्कल्पचर पार्क, टेम्पल और माधवेंद्र भवन देख सकते हैं। लास्ट प्लेस जो हमारे लिस्ट में है वो है गायतोरे की छत्रिया। ये प्लेस का नाम सुन के आपको कभी नहीं लगेगा, बट दिस इज अ क्रीमेटोरियम ग्राउंड। महाराजा जय सिंह दो ने इस साइट को चूज किया था और 1733 से सभी कछवाहा किंग को यहीं पे क्रीमेट किया गया है, एक्सेप्ट महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह, जिनको